मैं आपको फिर से कह देता हूं, अगर मैं आपको कोई सवाल देता तो आप, और उसका जवाब भी मैं ही दे रहा हूं, तो मैं आपको मेरा परसेप्शन बता रहा हूं उस क्वेश्चन को देखने का। लेकिन अगर आपके सामने कोई सवाल होता और उसको खुद से आप सोल्व कर रहे होते तो आपको वो 100 डायरेक्शंस में सोच सकते थे। आप जरा सोचो कि जिसने भी बल्ब इन्वेंट किया, मतलब कहते हैं लोग एडिसन ने किया, कोई कहता है एडिसन तो पागल बनाता है, टेस्ला ने किया, तो टेस्ला ने किया या एडिसन ने किया, पर जिसने भी किया शुरू में उसके पास कोई टीचर तो था नहीं, सही है। अब टीचर नहीं था तो वो अकेला ही था, वो खुद ही एक्सपेरिमेंट करता रहता था। और ये स्टेटमेंट तुमने सुनी होगी, एडिसन ने कहा था कि वो 1000 बार फेल हुआ था बल्ब बनाने में। इसका मतलब उसे, अब वो उसको फेलियर नहीं मानता था, वो ये कहता था कि मुझे 1000 ऐसे तरीके पता है जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो उसकी नॉलेज कितनी एनहेंस हुई। तो आप वाकई में जब आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, खुद से सेल्फ स्टडी करते हो, खुद से न्यूमेरिकल्स को करते हो, तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है वो इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है।